ट्वेल्थ क्लास का मैथ का सिलेबस चल रहा था, तो NCERT की हम बुक करा रहे थे मैथ की ट्वेल्थ क्लास की, तो उसमें एक्सरसाइज 5.4 क्लियर कराएंगे आज, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा सवाल एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो इसमें इस एक्सरसाइज में पूरे में मतलब क्या करना है, वही एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, सवाल पहला ये दे रखा है, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन के लिए पहले वही चीज़ जैसे हम करते आए, हम इसको वाई मान ले रहे हैं ताकि अच्छा लगेगा आपको देखने में भी और एग्जामर को भी, ठीक है, साइन एक्स। अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिख देना है, आप लिखना चाहो तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर डी अपॉन डी एक्स, और ये पूरा का पूरा लिख दीजिए, ई की पावर एक्स बट्टे साइन एक्स, ठीक है। हमने जब क्या बताया था कि ऐसा नहीं कि ऊपर वाले का ऊपर अवकलन नीचे वाले का नीचे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बनना है, एक बट्टे वाला, एक ऊपर फंक्शन है एक नीचे फंक्शन है, और फॉर्मूला क्या था, एक फंक्शन बट्टे दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन होते हैं और उसका हमें डी वाई अपॉन डी एक्स करना होता है, तो क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वेयर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वेयर, फिर नीचे वाला फंक्शन और ऊपर का अवकलन, पहले का अवकलन, बीच में लगाते हैं माइनस, फिर अपना पहला वाला फंक्शन, फिर दूसरे वाले फंक्शन का अवकलन, ये होता है फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग दिस इसको कीजिए, तो हमें क्या करना है, देखिएगा एक लबड़ी सी लाइन खींच देनी है, नीचे वाला क्या है, यानी दूसरा फंक्शन का स्क्वेयर, तो यानी कि साइन एक्स का स्क्वेयर कीजिए, साइन एक्स का स्क्वेयर कर दिया, कोई दिक्कत, फिर दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिख दीजिए, ये लिख दिया, दूसरा फंक्शन लिख दिया, फिर पहले का अवकलन, पहले का अवकलन कितना, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, ये क्या है ई एक्स, पहले का अवकलन कर दिया, बीच में लगाया माइनस, फिर पहला वाला फंक्शन यानी ई की पावर एक्स को मैंने जोंका त्यों लिख दिया, फिर किसका, यानी कि नीचे वाले का, यानी दूसरे वाले का अवकलन, यानी कि दूसरे वाले का अवकलन कीजिए, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। समझ में आई बात नहीं आई, बहुत ही सिंपल है, हो गया लो। अब इसको सॉल्व कीजिए, साइन एक्स ये नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, ये आपका क्या है, साइन एक्स जो का त्यों रहेगा, तो ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ई की पावर एक्स का, तो भाई ई की पावर एक्स होता है, ये फॉर्मूले वाली वीडियो में हमने फॉर्मूले लिखवाए थे, जिनको नहीं पता है वो इसको नोट कर लो कि ई की पावर एक्स का क्या होता है अवकलन, ई की पावर एक्स होता है, बीच में लगाया मैंने माइनस, ये ई की पावर एक्स है, इंटू साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर होगी बात, नहीं क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आया, ई की पावर एक्स आपका कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ई की पावर एक्स यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और बट्टे ये कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वेयर एक्स। तो उत्तर आप इतना लिख दोगे, कितना उत्तर आ गया इतना। यदि आप इसको और बढ़ाना चाहो तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इस चीज़ को मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से समझना, ये e की पावर x है, साइन एक्स बट्टे में क्या कर दे रहा हूँ, साइन स्क्वेयर एक्स, यानी कि इसको अलग अलग तोड़ दे रहा हूँ भिन्न की तरह, ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बट्टे साइन स्क्वेयर एक्स, इस तरीके से भी तोड़ सकते हो। अब आपको पता है कि ये एक से स्क्वेयर कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ई एक्स, ये कितना बचेगा, वन अपॉन साइन एक्स बचेगा, माइनस इसको आप लिख दीजिए कॉस एक्स बट्टे स्क्वेयर है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये वो चीज़ हो जाएगी। और अब देखिएगा सिंपली, आप इंटर के स्टूडेंट हो, आपको इतना तो पता ही है कि वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक एक्स होता है माइनस, और कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट एक्स होता है, और वन अपॉन साइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, कोसेक एक्स हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई, तो ये हो जाएगा। इसमें से भी आप क्या करो, कोसेक एक्स को बाहर कॉमन लेना चाहो, बाहर कॉमन ले लीजिए, जब बाहर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये ई की पावर एक्स कोसेक एक्स, और ये कितना, वन माइनस कितना हो जाएगा, कॉट एक्स, तो ये आ गया। तो काफ़ी सारे उत्तर आ गए, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, पूरा नंबर यहाँ पर ही मिलेगा, पूरा नंबर यहाँ पर ही मिलेगा। क्लियर होगी बात, नहीं क्लियर होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल। अब आ जाते हैं अपना, देखिएगा दूसरा सवाल और तीसरा,
बहुत ही सिंपल सवाल है। दूसरा यानी मैंने वाई बराबर लिख दिया डायरेक्ट, इसका अवकलन करोगे, लिख दोगे आप अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर, ये कितना है साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से समझना, हमें क्या है, हमें ये पता है कि ई की पावर एक्स का अवकलन करते हैं तो वो कितना आता है ई की पावर एक्स आता है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ई की पावर, ये ऐसा वाला एक्स रखा हुआ है तो यहाँ पे ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप ये देखिएगा, इसको आप एक्स मान लो तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा। और हम पहले ही चीख चीख के बताते हैं जिसका हम एक्स मानते हैं उसका फिर दोबारा से करना होता है, तो डी अपॉन डी एक्स और ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक समझ में आया। अब ये e की पावर x, इससे तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये कितना है साइन इनवर्स x इंटू, अब इसका फिर से कीजिए, साइन इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या होता है वन अपॉन अंडर रूट में क्या होता है आपको पता है एक्स स्क्वेयर माइनस वन, कितना होता है एक्स स्क्वेयर माइनस वन। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ के बाद में देखिएगा सिंपली आपका इसका और कीजिए, साइन इनवर्स एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या होता है वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिख दीजिए आगे चल के, तो ये कितना हो जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर, उत्तर हो गया। बहुत ही सिंपल है ना, इसी तरीके से इसको कीजिए वही एक्स के सापेक्ष अवकलन किए, तो करो यहां पे देखिएगा ये क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसको भी लिख दोगे डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर एक्स की पावर तीन, ठीक है। अब सिंपली आप ऐसा समझिए कि भाई ये चीज कि ये आप एक्स समझोगे तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, यानी कि ये जो एक्स मानते हैं उसका क्या करना पड़ता है फिर दोबारा से करना होता है, ठीक है। अब इसका कीजिए तो कितना हो जाएगा e की पावर ये तो जो का त्यों रहेगा इंटू, और इसका कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर का क्या x की पावर तीन का क्या ये जो घात होती है वो आगे आ जाती है और ऊपर से एक घात कम हो जाती है तो ये आ जाएगा, इसको आप आगे लिख दोगे तो थ्री एक्स स्क्वेयर इंटू e की पावर कितना हो जाएगा x की पावर तीन। समझ में आई बात नहीं आई, तो बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है, बहुत ही ईजी बोले हलवा कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ जाते हैं अपने चौथा सवाल और पांचवा सवाल। चौथा सवाल क्या है y बराबर साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। सिंपली आपको क्या लिखना है x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या लिखोगे dy वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन और ये क्या है टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। देखो घबराना नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा सवाल दे दे आपको रूल पता है उसी रूल से चलिए बस, और कुछ नहीं सवाल अपने आप हो जाएगा। देखिएगा आपको पता है कि साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है साइन एक्स का क्या होता है साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो कॉस एक्स होता है आप जानते हो, तो ठीक उसी प्रकार से ये साइन है तो एक्स की जगह पर ये पूरा का पूरा आप एक्स है तो ये लिख दीजिए टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। और जो आपने x माना है उसका क्या करना पड़ेगा फिर से करना पड़ेगा, तो क्या माना है x tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है ऐसे लिख देना आप, ठीक है। तो आप देखिएगा ये तो इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है sin tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिएगा ये आपका यानी कि ये दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से, ये फिर से एक सवाल सा दिखाई दे रहा है टेन इनवर्स ई की पावर माइनस है। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें आप कितना भी लंबा हो अब इसमें ये एक्स का काम करेगा तो मतलब क्या टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स की जगह पे क्या काम कर रहा है यहाँ पर ये चीज़ काम कर रही है ये चीज़, तो इसका स्क्वेयर कर दीजिए और जो एक्स होता है हम उसका क्या करते हैं फिर दोबारा से करते हैं तो ई की पावर माइनस एक्स। समझ में आई बात नहीं आई, ठीक है। अब ये देखिएगा इसको आप लिख दीजिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, तो देखिएगा
ये कितना हो जाएगा साइन, और ये टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, सीधी सीधी बात है, ये बट्टे में है, नीचे आ जाएगा वन प्लस, और ये क्या e की पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे चार की पावर दो है और इसकी पावर चार तीन है, तो मैं इसकी इसकी गुणा करके लिख सकता हूँ चार की पावर छः, ठीक है, समझ में आएगी बात, चार की पावर छः तो मतलब इसकी गुणा हो जाती है, ठीक है, जुड़ती नहीं है, गुणा हो जाती है, तो ये माइनस टू एक्स हो जाएगा इनटू, और ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का, अब देखो ध्यान से समझना है, एक लाइन और, अब इसको एक्स मानो क्योंकि ये माइनस एक्स है, इसको एक्स मानोगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, और जो एक्स है उसका फिर दोबारा से करना पड़ेगा, यानी कि माइनस एक्स का करना पड़ेगा। अब देखिएगा ये ई की पावर एक्स को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ई की पावर माइनस एक्स साइन, और ये कितना है टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स बट्टे वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, ठीक है, इनटू। अब देखिएगा ये वाली चीज़ तो मैंने आगे लिख दी, यहाँ पर ये चीज़ बची, और इसका कीजिए अवकलन, तो देखिएगा माइनस तो आप इस वाले माइनस को तो बाहर लगा सकते हो, ये वाला आ गया, और इस एक्स का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, समझ में आएगी बात, या आप यहाँ पर मत लिखिए डायरेक्टली एक्स, माइनस से तो कोई मतलब नहीं है, एक्स का कितना होता है, एक्स का वन होता है, आपको पहले ही बता रखा है, बहुत सवाल किए, एक्स का वन होता है, जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दो एक्स का क्या होता है अवकलन, वन होता है, ये दिमाग में रख लो, फॉर्मूला है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये माइनस को आगे ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, ये आपका उत्तर हो जाएगा, समझ में आ गई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इस सवाल को करते हैं, देखिए x के सापेक्ष अवकलन करो, कर दिया भाई, क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पे लिखोगे डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस ई की पावर एक्स, बहुत ही सिंपल है, देखिएगा कैसे। अब आपको पता है कि ये मैं x मान लूँ तो log x का क्या होता है, log x का यदि हम करते हैं अवकलन तो कितना होता है, वन अपॉन x होता है, तो ठीक उसी प्रकार से कितना हो जाएगा log x, जो x क्या है, x ये पूरा का पूरा x है, तो कितना cos e की पावर x, और जो x मानते हैं उसका फिर दोबारा से कर देते हैं गुणा में, तो cos e की पावर x, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखिएगा ये वन अपॉन cos e की पावर x इंटू, अब आपका देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर क्या है, अब इसको ये x का काम करेगा यहाँ पे e की पावर x, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन और x, तो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे तो ये है ना ये वाला, और जो x की जगह पे होता है उसका हम फिर दोबारा से करते हैं, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये आप इसको क्योंकि ये माइनस है तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो ये आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस साइन e की पावर x बट्टे कॉस ई की पावर एक्स इंटू, ये कितना है ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स होता ही है, ठीक है, और आपको पता है साइन ई की पावर एक्स और ये कॉस ई की पावर एक्स, तो इसको इतना ही रहने दीजिए या इसको फॉर्मूला बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा टेन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ई एक्स को इधर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस ई एक्स टेन ई की पावर एक्स, ऐसा मत करना, मत इसको गुणा कर दो, ये गुणा नहीं है, ये अपने एक एंगल चीज़ है और ये अपनी अलग है, तो इसलिए इसको आगे लिखोगे तो ये उत्तर आ जाएगा, समझ में आगे बात नहीं आई, बहुत ही सिंपल है सवाल, इसको कर लीजिए, ठीक है, चाहो तो आप इसको इतना हिंट का उत्तर छोड़ सकते हो, इसको आगे लिख के, वैसे यहाँ तक करना, जहाँ तक हो रहा है सॉल्व वहाँ तक कीजिए, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है, समझ में आती रहा करें तो वीडियो को लाइक करते रहा करो, कमेंट करके बता दिया करो कि सवाल हमें बहुत अच्छे आ रहे हैं समझ में या कम अच्छे आ रहे हैं। छठे सवाल पर, छठा सवाल देखिएगा क्या है, वाई बराबर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर ई की पावर तीन, ई की पावर मतलब एक्स की पावर तीन, एक्स की पावर चार, एक्स की पावर पाँच, मैंने पाँच तक दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो सिंपली आपको पता है, पहले इसको मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, यदि ये आगे तक एन टर्म तक होता तो लिख देते, लेकिन यहाँ पर तो बीच में दो टर्म और हैं तो उनको लिख ही लीजिए आप पहले पूरा, तो यहाँ पर क्या है ऐसा लिख दीजिए इसको कि ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स फोर प्लस ई की पावर एक्स फाइव, ठीक है, ये है। यदि पाँच से ज़्यादा होता तो फिर मैं डॉट डॉट करके लिखता, क्योंकि ये सिंपल है तो सिंपल लिख दे रहा, ताकि आपको और सवाल ज़्यादा समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब इसका अवकलन करो, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा डी
y अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स e की पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स e की पावर x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स e की पावर x क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स x की पावर e की पावर x चार प्लस d अपॉन डी एक्स e की पावर x पाँच, ठीक है। ये लिख दिया, अब कर कीजिए, बस अवकलन करना है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई जगह मिल जाएगी मेरे को। देखिएगा, e की पावर x का तो e की पावर x होता है प्लस, और ये देखिएगा अब यहाँ पे x का काम कौन करेगा, यहाँ पे x का काम कर रहा है ये पूरा, तो क्या हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। यदि e की पावर x होता तो e की पावर x, तो x की जगह पे क्या x स्क्वायर आ रहा है, और जो स्क्वायर आ रहा है उसका क्या करोगे, फिर से कर दोगे तो x स्क्वायर प्लस। ऐसे ही ये e की पावर, ये अब यहाँ पे ये x का काम करेगा तो e की पावर x का, e की पावर x होता है अवकलन इनटू जो x मानते हैं, माना कि ये x है तो इसका फिर से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 3 प्लस। अब यहाँ पे ये मान लो x क्या, x की पावर 4, तो e की पावर x की पावर 4 इनटू जो x माना, यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, x की पावर 4 प्लस, ये कितना है d अपॉन ये e की पावर x की पावर 5 इनटू d अपॉन dx x की पावर 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का काम x की पावर 5 कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, जिनको नहीं समझ में आया वो मैं फिर से बता दूँ, जैसे e की पावर x की पावर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, हमें करना है सपोज करो यदि ये x होता तो क्या होता, e की पावर x आ जाता, ठीक है। लेकिन x की जगह पे क्या है, ये है इतना, तो ये जो x का काम किया है उसका फिर दोबारा से और करना होता है अवकलन इस तरीके से, बस ये दिमाग में रखनी है एक बात सिंपल सी, तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब हो गया सवाल, ये e की पावर x है प्लस ये e की पावर x स्क्वायर है, तो इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, दो आगे आ जाएगा और x में से एक घात कम हो जाएगी तो एक बचेगी, यानी कि ये प्लस, और अब तो तुम काफ़ी सवाल करा दिए मैंने, डायरेक्ट पता हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा। देखिएगा, जो घात होती है वो आगे आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, दो में से तीन में से एक गया तो दो प्लस, ये e की पावर x की पावर 4 इंटू ये 4 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 में से एक गया 3 प्लस, ये x की पावर 5 इंटू ये 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 5 में से एक गया 4 ये, ठीक है। अब इसको ऐसे इस तरीके से लिख दीजिए, e की पावर x प्लस 2x आगे आ जाएगा, 2x e की पावर x की पावर 3 प्लस ये 3x स्क्वायर आगे आ जाएगा, e की पावर x की पावर 3 प्लस ये आगे आ जाएगा 4x क्यूब e की पावर x 4 प्लस 5x की पावर 4 e की पावर x 5, ये उत्तर आ जाएगा आपका। समझ में आ गई बात, नहीं आई, बहुत सिंपल है, आप इस तरीके से कर दीजिए उत्तर, ठीक है। या आपने ये डॉट डॉट करके लिख रहा था तो आप इनको डॉट डॉट करके भी लिख सकते हैं, दो टर्म ही तो मैंने बढ़ाए थे, ये इसकी जगह पर डॉट डॉट करके लिख सकते हो, बात वही है, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, तो इसका जो ऐसे चाहो ऐसे लिख दीजिए, 2x e की पावर x क्यूब प्लस डाडाडाडस और फिर आप लिख दीजिए 5x की पावर 4 e की पावर 5, तो ये आ गया उत्तर, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, समझ में आई बात नहीं आई, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट में इसका मिटार दे रहा हूँ, चलो इसका ये तो यहाँ पे हो ही जाए। तो देखिएगा ये अंडर रूट है, अब मैं बता दूँ पहले तो आप इसको x मानोगे तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट x का अवकलन कितना होता है, ये चीज़ जिसको नहीं पता ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिएगा इसको कितना लिख दो, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब कितना होता है 1/2, और मैंने क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला ये पढ़ा है कि जो घात होती है वो आगे आ जाती है और ऊपर से घात में से एक कम हो जाता है, ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज़, और ये 1/2 एक्स की पावर, ये क्या है 1/2 यानी आधा है, और इसमें से एक जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, जिसको नहीं पता तो उनको मैं डायरेक्ट बता दूँ, 1/2 ये दो एलसीएम ले लो, दो एक दो एक, और यहाँ पे एक मानोगे तो एक गुणा दो तो ये आ जाएगा, यानी माइनस 1/2, और डायरेक्ट सॉल्व करना सीख लो बस, ठीक है। जो नीचे होता है वो ये लिख देते हैं और इसमें से यही घटा देते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं, एक में से दो जाएंगे तो माइनस एक, ये चीज़ आ गई, तो माइनस 1/2, ठीक है, ये माइनस 1/2, और ये माइनस इक्वल नीचे ले जाओगे 1/2 और इनटू ये नीचे ले जाओगे एक्स की पावर 1/2, मतलब क्या है 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो ये आपका हो गया रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, इतना होता है, तो ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो ये दिमाग में रटे रहें, हर बार नहीं करेंगे तो देखिएगा, आप इसका अवकलन करो एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स
अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट x, ठीक है। तो देखिएगा अंडर रूट x, यदि मैं इसको x मानूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। तो x की जगह पर क्या माना है मैंने, ये माना है, और जो x की जगह पर माना है उसका फिर दोबारा से करना पड़ेगा e की पावर अंडर रूट x, यही तो माना है e की पावर अंडर रूट x, ठीक है। तो ये देखिएगा ये माना था, ठीक है। अब कीजिए, ये तो अपना 2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x इंटू, अब ये देखिए, अब यहाँ पर इसका ये x का काम करेगा, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, तो ये आ जाएगा, और जो x था उसका फिर दोबारा से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, e की पावर अंडर रूट x बट्टे 2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x इंटू, अब देखिएगा ये फिर से अंडर रूट x, और अंडर रूट x का तो डायरेक्ट बताया कितना होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, ये चीज़ आ जाएगी। तो इसका उत्तर कितना आ गया, ये नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 अंडर रूट x इंटू ये अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, और ये क्या है, e की पावर अंडर रूट x, ये उत्तर हो जाएगा। और आप और इसको एक और उत्तर लिख सकते हो, आप उत्तर कितना लिख सकते हो, इसका इतना भी लिख सकते हो कि e की पावर अंडर रूट x, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, 4 बड़ा अंडर रूट लगा दो x इंटू e की पावर अंडर रूट x, इतना भी लिख सकते हो, तो ये भी उत्तर हो सकता है। तो यहाँ पे भी उत्तर छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पूरा नंबर मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब वो वाला करते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लेना। अब करते हैं इस वाले सवाल को, आपको दिखाई दे रहा है हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स लॉग लॉग एक्स, ठीक है भाई। लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, यदि मैं इसको x मानूं तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, लेकिन x की जगह पर क्या है, ये पूरा है लॉग एक्स, और जो x की जगह पे होता है उसका फिर दोबारा से करना पड़ता है, ये हो गया। तो ये अपना 1 अपॉन log x है, और ये अपना हमें log x, log x का फिर से फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x, तो क्या हो जाएगा उत्तर, x को आगे लिख दो x log x, ठीक है उत्तर, ठीक है क्लियर है बात, नहीं क्लियर, बहुत ही सिंपल है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आगे, इसको आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो चीज़ यहाँ पे होती है तो आगे आ जाती है, तो ये आगे भी जा सकता है, ठीक है इस तरीके से। तो आप इतना ही छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखिएगा अब आते हैं अगले सवालों पर, 9वां सवाल और 10वां, सेकंड लास्ट और लास्ट, देखिएगा अवकलन कर कीजिए डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बट्टे लॉग एक्स, ठीक है। हमने डायरेक्ट क्या बताया था, ये कैसा फॉर्मूला बन गया, पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, कीजिए क्या था, नीचे वाले का स्क्वेयर log x का स्क्वेयर, फिर नीचे वाला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, बीच में माइनस, ठीक है, फिर ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले का अवकलन log x, ये ठीक है। अब कीजिए नीचे वाला तो कितना हो जाएगा, log x का स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिएगा ये log x है और cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, ये माइनस cos x और log x का क्या होता है, log x का 1 upon x होता है भाई, cos x का माइनस sin x, cos x ये जो करते हो आएगा, log x का कितना 1 upon x, इसको सॉल्व करना रह जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, बस देखिएगा सॉल्व कैसे होगा, ये कितना है log x का स्क्वेयर, ठीक है, ये कितना माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, और ये कितना है माइनस कॉस एक्स बट्टे एक्स, क्योंकि ये वन अपॉन एक्स था
तो एक्स इसके नीचे आ जाएगा, कॉस एक्स बट्टे एक्स, ये हो गया। और आप इसको कैसे करोगे देखिएगा, इसको मैं बता दूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देखिएगा, लॉग एक्स का स्क्वायर, मैं ऊपर वाले से एक्स एलसीएम ले ले रहा हूँ, तो एक्स की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। और एक्स नीचे वाले में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, उत्तर आ गया ये एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स। समझ में आई बात नहीं आई, ये यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया तो एक्स इधर में आ जाएगा ये, और ये नीचे ये एक्स है नीचे वाले में चला जाएगा, तो ये चीज़ समझ में आ गई बात, क्लियर है। आगे देखिएगा, अब इसका कीजिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। और आगे देखिएगा, इसको कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये कितना है आपका, इसका डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, सिंपल है। अब देखिएगा, आपको पता है क्या, यदि ये कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, तो ये एक्स है पूरा, तो जो एक्स है वो लिख दीजिए, ठीक है, और जो एक्स होता है उसका फिर दोबारा से करना होता है, तो लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है, ये चीज़ क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ के बाद में कर लीजिए इसको, तो ये तो अपना माइनस साइन, और ये अपना जो कहते हो लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। अब इसका कीजिए, लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, और ई की पावर का एक्स का ई की पावर एक्स होता है, डायरेक्ट कर दिया भाई, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स ई की पावर एक्स, यही उत्तर हो जाएगा आपका। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इसको एलसीएम ले लीजिए, एक्स नीचे आ जाएगा तो वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स, ये चीज़ आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे एक्स, ठीक है, और ये अपना माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और ये वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स, ये चीज़ उत्तर आ जाएगा। यानी कि अवकलन के उत्तर भी ऐसे लगते हैं जैसे कि अपने आप में एक सवाल है, ये देखिएगा है ना, तो आसानी से और चाहो तो और भी सॉल्व हो जाएगा ये भी, और इसको चाहो तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, तो क्या ज़रूरत है, जितना हम पे आवश्यकता है उतने करेंगे, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, बस मतलब आपको अवकलन कर देना है, बाकी सॉल्व थोड़ी ना करवाया है, सॉल्व जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक हम कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।